आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने दफ्तर में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह कुर्सी अरविंद केजरीवाल की है और वो इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगी। उन्होंने इस कुर्सी की बगल में अपनी एक दूसरी कुर्सी लगाई और कहा कि जैसे भगवान श्री राम के वनवास जाने के बाद उनके छोटे भाई भरत ने खड़ाऊं रखकर अयोध्या का राजपाट संभाला था, ठीक उसी तरह वो भी दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगी और 4 महीने के बाद अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाकर इसी कुर्सी पर बैठा देंगी, लेकिन तब तक ये कुर्सी ऐसे ही खाली रहेगी। 21 सितंबर को जब 43 साल की आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब उन्होंने 56 वर्ष के अरविंद केजरीवाल के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। इसमें कुछ गलत नहीं है, यह अच्छी बात है। अगर अरविंद केजरीवाल ना होते तो शायद आतिशी भी कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री ना बनती, और इस लिहाज से आतिशी का अरविंद केजरीवाल के पैर छूना, उनका आशीर्वाद लेना, उनकी बार बार प्रशंसा करना बिल्कुल गलत नहीं है। उनकी वफादारी भी अरविंद केजरीवाल के साथ जरूर होनी चाहिए। हर आम आदमी उस व्यक्ति की जरूर खुशामद करता है जो उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के मौके देता है, इसमें कुछ नया नहीं है, सभी लोग करते हैं। लेकिन आतिशी को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वो अब एक मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद होता है और एक मुख्यमंत्री को अपने पद की गरिमा और गोपनीयता हमेशा बनाए रखनी होती है और इस संवैधानिक पद का पूरी तरह से सम्मान करना होता है। आपको यह बताएंगे कि तिरुपति मंदिर में सुअर की चर्बी, बीफ का फैट और मछली के तेल वाले जिस घी से लड्डुओं का प्रसाद बनाया जा रहा था, क्या उस प्रसाद के पीछे कोई साजिश थी? आज इस मामले की जांच के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक SIT का गठन कर दिया है, जो यह भी पता लगाएगी कि क्या इसमें जगन मोहन रेड्डी की सरकार की भी कोई भूमिका थी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज पिछली सरकार पर, यानी जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर, कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पहले मंदिर को वही कंपनियां घी सप्लाई करती थीं जिनके पास कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होता था, लेकिन जगन मोहन रेड्डी की सरकार में इस नियम को बदलकर 3 साल से 1 साल कर दिया गया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह भी पूछा है कि मंदिर समिति में ऐसा घी कैसे इस्तेमाल हुआ जो पाम ऑयल से भी सस्ता था, और जब यह सस्ता घी खरीदा जा रहा था तब किसी को इस पर शक क्यों नहीं हुआ। और उन्होंने जगन मोहन रेड्डी के सगे मौसा और मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष YV सुब्बा रेड्डी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि YV सुब्बा रेड्डी की पत्नी को कई बार बाइबल के साथ देखा गया है और इस पूरे मामले में हिंदुओं के साथ एक बहुत बड़ी धार्मिक साजिश हुई है। तो आपने देखा, हमारी टीम तिरुपति मंदिर के उस हिस्से में आज गई है जहां हर दिन प्रसाद के लिए 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं, और इस दौरान हमें यह समझ में आया कि यह पूरा मामला प्रसाद में खराब क्वालिटी के घी के इस्तेमाल का हो सकता है। और अब इस घटना की पूरे देश में चर्चा हो रही है, आप लोगों के घरों में भी इसकी चर्चा हो रही होगी क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग तिरुपति के मंदिर गए होंगे, और नहीं भी गए होंगे अगर तो कोई ना कोई आपके परिवार में या दोस्तों में गया होगा जिसने आपको यह प्रसाद भेजा होगा और आपने भी इस प्रसाद को कभी ना कभी ग्रहण जरूर किया होगा। और अब असल में लोग देश भर के मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद की बात करने लगे हैं, और काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर मथुरा के वृंदावन मंदिर में प्रसाद के लिए मिलने वाले पेड़ों की भी अब जांच शुरू हो गई है। लखनऊ के एक मंदिर में भी बाजार से लाए गए प्रसाद पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है, और आप देखते जाइए कि यह मामला कितना बड़ा है। इतना बड़ा है कि इसमें मंदिर के बाद आपको अपने घरों में इस्तेमाल होने वाले घी की भी बहुत जल्द जांच करानी पड़ेगी, और यह अब सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है या फिर बन जाएगा। मथुरा के वृंदावन में प्रतिदिन 7 से 10 लाख पेड़ों की बिक्री होती है, और ये पेड़े मावा, दूध, चीनी और घी से बनते हैं, और वृंदावन में कई बार नकली मावा और नकली घी से पेड़े बनाने के मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है, और यही कारण है कि अब इन पेड़ों के सैंपल्स को लेकर भी इनकी जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि क्या तिरुपति मंदिर के लड्डुओं की तरह वृंदावन के पेड़ों में भी चर्बी वाले घी की मिलावट हो सकती है। यह रिपोर्ट भी देख लीजिए।
अब आपको यह बताएंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर भी अपराधियों की जातियां देखकर हो रहे हैं। वैसे तो आजकल पूरे देश में जातियों की बात करना फैशन हो गया है, पूरी राजनीति ही जातियों के ऊपर हो रही है, चुनाव जातियों के ऊपर लड़े जा रहे हैं, तो क्या एनकाउंटर भी जातियों पर हो रहे हैं? और ऐसा क्यों है कि हमारे देश में अपराधियों की जाति तो बताई जाती है, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उसकी जाति कभी कोई नहीं बताता? आज उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने अनुज प्रताप सिंह नाम के उस अपराधी को एनकाउंटर में मार दिया जिस पर 1,00,000 रुपए का इनाम था और जिसे पुलिस ने सुल्तानपुर में गहनों की एक दुकान में हुई लूट के मामले में गिरफ्तार किया था। यह वही मामला है जिसमें पुलिस ने इसी महीने की 5 तारीख को एक और आरोपी मंगेश यादव को भी एनकाउंटर में मार गिराया था। और उस समय अखिलेश यादव ने कहा था कि लूट के इस मामले में जो अपराधी ठाकुर हैं उन्हें तो पुलिस सरेंडर करवा रही है, लेकिन जो अपराधी यादव समाज से हैं उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। लेकिन अब मंगेश यादव के बाद ठाकुर जाति से आने वाले अनुज प्रताप सिंह का भी एनकाउंटर हो गया और इसके बाद उसके पिता ने कहा है कि अब अखिलेश यादव इस एनकाउंटर से खुश तो बहुत होंगे। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक एनकाउंटर हुआ है जिसमें पुलिस ने एक और आरोपी अक्षय शिंदे को मार गिराया है। बदलापुर आपको याद होगा, यह वही आरोपी है जिस पर बदलापुर के एक स्कूल में 4-4 साल की 2 बच्चियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था और आरोप लगने के बाद में स्थानीय लोगों ने इस आरोपी को फांसी की सजा देने के लिए सड़कों पर उतरकर बहुत जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था। कई दिनों तक यह खबर हेडलाइन में चलती रही थी, हमने भी इसका एक विश्लेषण आपके लिए किया था। यह वो आरोपी है जिसे लेकर वहां हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आज पुलिस की हिरासत में इस 24 साल के आरोपी ने एक पुलिस वाले की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक और एनकाउंटर करके इस आरोपी को वहीं पर मार डाला। यह आरोपी, अब आप इसकी जाति नहीं जानना चाहेंगे कि इस आरोपी की जाति क्या थी, तो यह आरोपी दलित समुदाय से था और यही कारण है कि महाराष्ट्र में अब इस एनकाउंटर पर भी राजनीति शुरू हो गई है और कांग्रेस पार्टी ने इस एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग की है। अब आपको थोड़ी देर के लिए अमेरिका लेकर चलते हैं। आपको याद होगा इसी महीने की 6 तारीख को जब राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए थे उस समय उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में लोगों से बातचीत की थी, इंटरव्यूज दिए थे, संवाद किए थे और वहां जो भी बातें उन्होंने कही उनमें प्रमुख बातें क्या थी? उन्होंने भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश चीन की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं। उन्होंने कहा था सिखों के लिए कि सिख भारत में अपने धर्म का पालन कर सकते हैं या नहीं, यह भी आज इसे लेकर भी बहुत बड़ी शंका है, सिख अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे और वो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे और यह कहने की कोशिश की थी कि भारत में जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष नहीं होते। ये तमाम राय उन्होंने भारत के बारे में अमेरिका में जाकर अलग अलग कार्यक्रमों में लोगों के बीच रखी थी, यानी भारत की उन्होंने कोई प्रशंसा नहीं की, कोई तारीफ नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भारत जैसे महान देश से आता हूं और भारत ऐसा देश है जो आगे चलकर पूरी दुनिया को लीड करेगा। उन्होंने बस ये बताया कि भारत में समस्याएं क्या हैं, भारत में सब कुछ खराब ही खराब है, भारत का लोकतंत्र चरमरा रहा है, भारत में अल्पसंख्यक बहुत खतरे में हैं, भारत में जो चुनाव हैं वो भी फेयर नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के इस दौरे के सिर्फ 2 हफ्ते के बाद आजकल प्रधानमंत्री मोदी भी अमेरिका में है, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी की तरह वहां जाकर भारत को लेकर कोई नकारात्मक बयान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने गूगल समेत 14 बड़ी कंपनियों के मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की और कहा कि भारत एक बहुत सफल देश है, बड़ा देश है, आपको भारत के बारे में सोचना चाहिए, भारत में निवेश करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अमेरिकन इंडियन के रूप में उन्होंने परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि भारत पार्टिसिपेट नहीं करता बल्कि भारत लीड करता है और सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन में भारत दुनिया में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जहां भी गए वहां चारों तरफ आपको एक ही रंग दिखाई दिया और वो था देशभक्ति का रंग। और आपको बताएंगे कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति को चीन की कठपुतली क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि श्रीलंका में अभी चुनाव हुए हैं
और चुनाव में वहां के लोगों ने अपने नए राष्ट्रपति को चुना है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति का नाम है अनुरा कुमारा दिसा नायके और ये 55 वर्ष के हैं। अनुरा कुमारा एक वामपंथी नेता हैं और श्रीलंका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब वहां एक वामपंथी विचारधारा को मानने वाला नेता देश का राष्ट्रपति बना है। और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है और ऐसे आरोप लगते हैं कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति को चीन ने चुनाव में अपना पूरा समर्थन दिया था क्योंकि ये भी वामपंथी यानी कम्युनिस्ट विचारधारा के नेता हैं। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा की पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स पावर, जिसे पिछले चुनावों में यानी 2019 में सिर्फ 3.1% वोट मिले थे, लेकिन इस बार उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा 42.3% वोट मिले हैं। और उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और राजपक्षे परिवार की पार्टी को चुनाव में काफी बुरी तरीके से हराया है। सीखने वाली बात यह है, जो कि हर व्यक्ति को आज यहां से सीखना चाहिए, पिछले चुनाव में 3% वोट और इस चुनाव में 42% वोट, यानी अगर आप मेहनत से आगे बढ़ेंगे और आपको बाकी लोग भी अपना समर्थन देंगे तो 3% से 42% तक पहुंचा जा सकता है।